ठाकरान जी, मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है नौजवानों से और बुजुर्गों से। देखो मैं भी गांव गांव घूम रहा हूँ, लोग अभी भी डर रहे हैं कि भाई हम पर्ची तो कटवा लेंगे या आपको वोट देने को तैयार है, लेकिन एक बात है, भाजपा वाले हमें जेल में डाल देंगे। हम उनको एक भी बात कहें, भाजपा ऐसी क्या मिट्टी गोली दे रही अब जो तुम भाजपा को छोड़ना नहीं चाह रहे? ऐसा कुछ नहीं होने का, हमने तुम्हें वादा किया, हम सबके साथ है, हम किसानों को भी साथ है, तुम्हारे सबके साथ है, सब मिलकर हम सहयोग करेंगे आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हम आपको अपने साथ लगा रहे, कुछ सोच कर लगा रहे होंगे तो बोल रहे ठीक है जी, लेकिन हमें फिर भी डर लगे, जब व्यापारी है या किसान है कोई भी है तो बोल रहे जी हम भाजपा को छोड़ नहीं सकते। मैं बोल रहा ऐसी क्या बात है, बोल रहा जी बस दबाव है, मैं बोल रहा ऐसा दबाव का आशा आया, दबाव होना है कुछ, तो बोल रहे ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसी बात नहीं, भाजपा के लोग हमारे पास काफी आ रहे हैं, सब दिन प्रतिदिन हम मेहनत कर ले उनके लिए, जैसे भी देख रहे हैं। तो हमारी तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि गांव गांव घूमो और जो ये सदस्य अभियान चलाया है इसमें ज्यादा भागीदार बनो। जय हिंद। बुजुर्गों के साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल ने अब जब यूपी से कदम बढ़ा दिए हैं और दिल्ली में उन्होंने जो कहा वो किया, माँ बिजली 200 यूनिट फ्री सभी के लिए, ये नहीं कि कोई गरीब है या अमीर है, सबके लिए बराबर कर दी, पानी फ्री चल रहा, उसके बाद में शिक्षा का जो स्कूल प्राइमरी थे उन्हें ऐसा बना दिया कि जैसे प्राइवेट स्कूल हो दिल्ली के अंदर, ऐसे ही मोहल्लों में उन्होंने सरकारी अस्पताल बढ़िया बना दिए। और अस्पतालों की तो पोजिशन यू है, जहाँ भी अपोलो हो या जहाँ कोई भी हो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम दे रहे सबका इलाज बढ़िया से फ्री करें, और कोई किसी की परेशानी हो तो सीधे केजरीवाल से मिले और या उनके क्षेत्र से जो विधायक है उनसे मिले, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कहीं कर, ये नहीं कि दिल्ली दिल्ली वासियों के लिए है, भारत वालों के लिए। मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ का भी ऐलान कर दिया यूपी में, हाँ दिल्ली में 200 यूनिट है या 300 यूनिट चलेंगे, कहना फ्री, और खेत की जो बिजली है उसका तो पैसा कतई खत्म, हमें खत्म आते सर, और ऐसे हम शिक्षा में करेंगे, जो बेरोजगार लड़के युवा इधर उधर धक्के खा रहे उनके लिए नौकरी का उन्होंने कर दिया है, जो बहुत पोस्टें खाली पड़ी हैं जिनका ये कुछ नहीं कर रहे, उनमें कहने लगा उनका भी रोजगार दे नौकरी, ये तो किसी की पकौड़ी वाले की दुकान में कहना हमको रोजगार दे। और हमारे मंडल के पदाधिकारी और सभी गांव में आए हुए बुजुर्ग और नौजवान साथियों, नौजवान तो बच्ची है कंपनी नहीं है तो, लेकिन ये है कि जब 2014 में सरकार बनी गई थी इन्होंने वादा किया कि हम 2 करोड़ हर साल नियुक्ति देंगे, रोजगार देंगे युवाओं को, और मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी बैठे हैं कोई भी बता रहे कि इस गांव में तक कितने बच्चे हर साल गए रोजगार के, यहाँ तक कि फोर्स की भी नौकरी में अगर कोई बता सके तो बता दो कितने गए, और तो बात दूसरी है, फोर्स की नौकरी उससे एकदम सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होती है, उसमें कितने बच्चे गए योगी सरकार ने कहा करना भी योगी बोल रहे परसों पर दिन करना, मैं 4 लाख रोजगार पैदा करके दिए, रोजगार दिए।